जिंदगी कितना ज्यादा परेशान कर रहा है। ये सीधा ऑफिस से मंदिर आए हैं, बहुत सारा खून निकल गया ना जान। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। गुड मॉर्निंग। सो आज है इक्षित का बर्थडे, हमने रात में सेलिब्रेट किया था, हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया। तो हमें सोते सोते हो गया था, 3 बज गया था, हम लोग 2 बजे तो आई थिंक लौट कर ही आए थे। हाँ, तो हम लोग 3 बजे सोए, फिर उसके बाद मैं 6:30 बजे उठ गई क्योंकि आज हस्बैंड को ऑफिस जाना था। अभी हमने ऐसा सोचा है कि जब हस्बैंड आ जाएंगे तो हम हो सकता है मंदिर किसी टेंपल जाएंगे, यहीं पर पास में मीना बाजार है हमारे, तो वहाँ पर कोई टेंपल है, तो हस्बैंड बोल रहे थे कि हम वहाँ चले। गाइस, सो मैं निकल रही हूँ बहुत जल्दी। मैं इसे को देखिए कितना ज़्यादा परेशान कर रहा है, इसे देख लिया कि मैं कपड़े पहन रही थी और ये रोने लग गया कि ये कहीं जा रही है मुझे छोड़ के, तो इतना ज़्यादा रो रहा है, इतना ज़्यादा परेशान कर रहा है। तो मैं जा रही हूँ, एक्चुअली मुझे जाना था, मुझे मेडिकल करवाने जाना है। सो गाइज, मेरा मेडिकल कंप्लीट हो गया। मैंने वहाँ का वीडियो नहीं बनाया क्योंकि वहाँ का वीडियो बनाना अलाउ नहीं था। मेरा मेडिकल हो गया। और जब इंडिया से हम आते हैं ना, तो आपका सेकंड स्टेप होता है कि आपको मेडिकल क्लियर करना पड़ता है, उसके बाद ही आपका बायोमेट्रिक होता है। जो हमारा टेम्पल है वो मीना बाजार में ही है। हम आ गए यहाँ पर मीना बाजार और आप यहाँ की लोकल शॉप देख सकते हैं। आपको ऐसा फील होगा कि आप दिल्ली के चांदनी चौक में हैं। सच में आपको बिल्कुल ऐसा फील होगा कि आपको फील ही नहीं होगा कि आप दुबई हो। आपको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल आप चांदनी चौक में हो। इतनी सारी यहाँ पर इंडियन शॉप हैं, इतनी सारी लोकल शॉप हैं, बिल्कुल जैसे हमारे इंडिया में होती हैं। ज्वेलरी की शॉप हैं, इलेक्ट्रॉनिक शॉप हैं। यहाँ पर आपको इतने प्यारे प्यारे पाकिस्तानी इंडियन सूट दिख जाएंगे, साड़ियाँ दिख जाएंगी, बच्चों के लिए कपड़े दिख जाएंगे, लड़कों के लिए शेरवानी दिख जाएंगी। देखिए कितनी सुंदर शेरवानी लग रही हैं। और यहाँ पर आपको मान्यवर दिख जाएगा। ये देखिए साड़ियाँ, कितनी सुंदर साड़ियाँ हैं। आपको फील ही नहीं होगा कि आप यार दुबई में हो, इतनी प्यारी प्यारी शॉप है यहाँ पर। जब मैं यहाँ पर आई तो मैं तो एकदम खुश हो गई थी कि वाह, ये तो बिल्कुल हमारा इंडियन मार्केट लग रहा है। ये देखिए कल्याण ज्वेलर है यहाँ पर। आपको बिल्कुल ऐसा फील होगा कि आप चांदनी चौक में हो या फिर दिल्ली के किसी बहुत ही अच्छे से मार्केट में हो। चलिए हम आगे चलते हैं, फिर मैं आपको लेके चलती हूँ टेम्पल।
सन्नू मंदिर पहुंचने वाले हैं। ये सीधा ऑफिस से मंदिर आए हैं। पहले मुझे मेडिकल करवाने गए थे, मेडिकल हो गया है, बहुत सारा खून निकल गया हाथ से, अब मंदिर जा रहे हैं। सो गाइज, हम जैसे जैसे टेम्पल के पास आ रहे हैं ना, सो हमें ये शॉप भी दिख रही है जहाँ पर बहुत सारा पूजा का सामान मिल रहा है भगवान के लिए। आपको अगरबत्ती, प्रसाद, बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और मैंने एक यहाँ पर बहुत ही अच्छी चीज़ देखी, मंदिर, ये देखिए, ये मज़ार है और इसके जस्ट पीछे ही मंदिर है, दोनों एक साथ में हैं। और मतलब देखिए ना, कितनी अच्छी चीज़ है ये कि मंदिर और मज़ार दोनों एक साथ में हैं, आगे पीछे ही हैं। सो देखिए, यहाँ पर कितनी सारी टेंपल की शॉप हैं, यहाँ पर आपको बहुत सारा पूजा पाठ का सामान मिल जाएगा, आपको जो भी चाहिए। सो हमने ये प्रसाद ले लिया भगवान के लिए और अभी हम जा रहे हैं मंदिर के अंदर। सो ये देखिए, यहाँ से यहाँ पर शूज़ वगैरह रखने के लिए जगह थी और यहाँ पर बहुत सारी शॉप है जहाँ पर आपको मंदिर के लिए बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। सो या हम मंदिर के अंदर जा रहे हैं, आके मैं आपसे मिलती हूँ। तो गाइज़, हम लोग पूजा करके आ गए हैं और मैंने मंदिर के अंदर का वीडियो शूट नहीं किया क्योंकि वहाँ पर आरती चल रही थी और उस टाइम पर अगर मैं वीडियो बनाती तो अच्छा नहीं लगता। और देखिए, इक्षित को पंडित जी ने माला पहनाई है, हम लोगों ने उनको बताया कि आज इसका फर्स्ट बर्थडे है, सो उन्होंने इसको माला पहनाई और बहुत सारा आशीर्वाद दिया और हमें मिला है ये प्रसाद। प्रसाद में हमें मिली खिचड़ी। सो बस अभी हम मंदिर के बाहर आ गए हैं और इक्षित एकदम सोच रहा है कि मुझे ये क्या पहना दिया, वो खुद बहुत खुश हो रहा था माला देखकर। अच्छा, तो अभी जो हम मंदिर गए थे ना, वहाँ पर गुरुद्वारा भी साथ में था। और ये देखिए, यहाँ पर कितने प्यारे प्यारे टेंपल रखे हुए हैं। एक्चुअली हमें टेंपल ख़रीदना है, हमें भी अपने घर में एक टेंपल रखना है। सो हम वही सोच रहे थे कि हम कौन सा टेंपल ले लें। सो अभी तो हमने नहीं लिया, अब हमने सोचा कि हम लौट कर आकर आएंगे तो तब हम लेंगे। सो हमने सोचा कि चलिए हम बैठ कर यहाँ पर अपनी खिचड़ी भी खा लेते हैं। सो हम बस वही अपनी खिचड़ी खा रहे थे। जा रहे हैं अपने घर लौट कर, खिचड़ी खा ली, बहुत ज़्यादा पेट भर गया, बहुत ज़्यादा खिचड़ी ली, 4 चम्मच भी नहीं खाए हुए। हाँ, क्योंकि हम लोग पहले गोलगप्पे खा चुके थे, इतने टेस्टी गोलगप्पे इतने। एक शख्स सो गया है, प्रेम चलते चलते उसको नींद आ रही थी बहुत देर से, मेरा बच्चा, प्यारा बच्चा। सो गाइज, जब हम लौट कर आ रहे थे तो हमने ये जूस लिया और ये जूस मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि इसका फ्लेवर एकदम वही फ्लेवर था जो आप घर पर जूस निकालते हो ना अपने ऑरेंज से, सेम वही फ्लेवर था। और इसमें 100% जूस है और 0% शुगर है, बहुत ही टेस्टी। तो हम घर आ गए हैं और बहुत ज़्यादा आज मैं थक गई हूँ क्योंकि रात में भी मेरी नींद पूरी नहीं हुई, फिर उसके बाद सुबह 6:30 बजे उठना पड़ा, तो बहुत तेज़ नींद आ रही है। हम लोग अभी अभी घर आए, चाय बनाई थी मैंने, चाय पी। इक्षित यहाँ पे खेल रहे हैं, इक्षित तो बस यही चलता रहता है, यहाँ खेलते रहते हैं। अभी मैंने बालकनी का गेट खोला कपड़े उठाने के लिए, तो उसने अपने मुंह फेस पर लगा लिया यहाँ पर, फिर रोने लग गया। खड़े हो गए यहाँ पर आकर, इनको भी जाना है बालकनी में। आपको जाना है जैसी बालकनी का गेट खुलता है ना, इक्षित तुरंत भागता है बाहर। सो गाइस, ये वाला ब्लॉग मैं यहीं खत्म कर रही हूँ। अगर आपको ब्लॉग पसंद है तो प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और भी आपके लिए अच्छे अच्छे ब्लॉग लेकर आती हूँ। बाय, टेक केयर, गुड नाइट।